हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं ना, मज़ा आ जाएगा आपको अगर आपने लास्ट तक देखा इसे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी देने जा रहे हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपको बेशक ही ना लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा कोई उद्देश्य ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ और उद्देश्य नहीं, बस मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि क्वेश्चन की डाइवर्सिटी कितनी है, कितना ज़्यादा क्वेश्चन को मतलब पूछने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो कैसे सोचते हैं। अब आपको पता है, इसमें आपको पता लगेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जरा यहाँ पर देखना, मुझे बताना ये कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, या पूछा जा सकता है। देखना, बिल्कुल ईजी, जैसे गवर्नमेंट की जितनी ऑल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लगे, ठीक है। कभी कभी कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट मतलब जैसे ऐसे कर रहा है एग्जामिनर, कॉपी पेस्ट करके उठा के डाल देता है क्वेश्चन जो उसे इम्पोर्टेंस लगता है या वो करंट में होता है ना, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है कि उसको लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और देखना, ये जो आपका स्वलंबन है ना, ये स्वलंबन, स्वलंबन का मतलब आप कहाँ से इसको ले गए, तो स्वलंबन जो इसकी योजना है, जो उनकी योजना है उससे संबंधित है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कुछ बोला होगा, कोई योजना होगी या ऐप होगा या फैसिलिटी, कुछ भी होगी, एनी समथिंग आज के हिंद, तो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या पूछता है और कौन चीज़ चर्चा में रही, किसका ज़्यादा महत्व है। तो हमें वही चीज़ पढ़ना है, करंट अफेयर के भी एग्जाम होंगे, इसलिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लेकिन सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ें हम, ठीक है। करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 12, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और कोई कोई में खींच देता है, जैसे जो लगता है टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्व का है, मुद्दे का है, तो उस पर जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है, बस कुछ लोगों को जिनको इम्पोर्टेंट है पढ़ने का, कुछ नहीं, अगर नहीं पढ़ते तो आप लोगों को भी बहुत ये फायदेमंद है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा लाइफ में और कुछ चीज़ पता नहीं होंगी, तो आप कैसे बात कर सकते हैं। आप किसी से अगर एजुकेशनल पर्सन से या एजुकेटर पर्सन से आप पढ़ेंगे या कोई बात करेंगे आमने सामने, तो सबसे ज़्यादा पता क्या, डेवलपमेंट आपका इंक्रीज जो माइंड सेट है ना, बहुत बेटर हो जाता है। आप जैसे मान लो एक समझो ऐसे कि आप अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास आप खड़े हैं, ठीक है, किसी ऐसे इंसान के पास गए जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, आप चाहते हैं कि हम भी जाएं वहाँ पर, बात करें, उन लोगों की बातें सुनें, क्योंकि माना जाता है कि जो लोग शिक्षित होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ ज़्यादा ही कि मंगल ग्रह से आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। डिपेंड ये होता है कि सबसे ज़्यादा माना जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा, जो पढ़े नहीं होते तो वो हर्ट फील करते हैं, बुरा लगता है, और वो लोग ऐसा लगता है कि वो देखो पढ़े नहीं तो मतलब उनकी कभी कभी मजाक भी कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उड़ा देते हैं या बुरा उनके प्रति बोलते हैं, पर सभी नहीं ऐसा होता है, मेरा कुछ ऐसा कहने का मतलब नहीं है। तो आपको जब पता होंगे ना, तो ये वीडियो में सिर्फ क्या है, आपको बेसिक नहीं, आपसे पढ़ाई से कोई मतलब, लेकिन ये तो आपको पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट की योजनाएं हैं क्या, मतलब है हमारे देश में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब जैसे आपको पता है कि किसी चीज़, किसी ने कुछ पूछ दिया, कोई घटना घटी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भारत में जैसे मुझे उड़ीसा कहाँ पर, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर पता लगे कि ज्वालामुखी आई, भूकंप आया है, भूकंप वहाँ पर अक्सर आते रहते, तो आपको आइडिया खुद आना चाहिए ना कि ये उड़ीसा कहाँ पर पड़ता है, मध्य में पड़ता है देश के या बॉर्डर किनारा या समुद्र सीमा पे, तो इस चीज़ का मायने रखता है। तो आप खुद बातें कर सकते हो, लोगों से इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका बात करने में, लोग आपको समझेंगे, थोड़ा ज्ञान होगा, काम तो जिंदगी में है, लेकिन ज्ञान से आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके पास अट्रैक्शन कर होता है, तो ये चीज़ मायने रखती है। मेरा कहने का कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं, और मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो शेयर करें उन लोगों को, ताकि जिन लोगों को और भी ज़्यादा अपने बारे में जीवन में जानना है या पढ़ना है, पढ़ने वालों के लिए तो है ही, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी जी बिना किसी टाइम के वेस्ट करें हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, और फिर आप लोगों से बात होती रहेगी, जितना ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा, ठीक है, और थोड़ा आप लोग रिप्लाई देते जाइएगा, आपको कैसा लगा ये वीडियो या कैसे, आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो मज़ा आता है कि यार वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है कि और आपकी क्या डिमांड है, मतलब इससे एक पता लगता है आपकी क्या डिमांड है, आप भी कैसे सोचते हो, आपके लिए क्या यूज़फुल है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसे चाहिए, किसी मुद्दे पे चाहिए,
या आपको पता लगे कि देश में हमारे कौन कौन से राज्य किधर हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ पर ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ पर अभयारण्य हैं, कहाँ पर शेर पाए जाते हैं, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर फूलों के बगीचे पाए जाते, मतलब एवरीथिंग्स, मतलब कुछ भी, तो ये चीज़ें हैं, तो आप बताते जरूर चलिएगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगता, बहुत मज़ा आता है, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, सीधे मेन मुद्दे पर। तो चलिए ये बताइए, अब आप लोग फटाफट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताते चलना, ठीक है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ और मज़ा भी आता है। आप लोग ये बताना आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं आए, इतने नहीं आए, फिर भी पता लगेगा। स्वलंबन, देखना, प्रधानमंत्री ने नौ सेना, क्या है, नौ सेना, नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वलंबन को कहाँ संबोधित किया। अब एक चीज, स्वलंबन क्या है, आत्मनिर्भर इसे मान सकते हो, ठीक है, नवाचार इनोवेशन होता है, सेमिनार मतलब एक पूरी वहाँ पर ग्राउंड होता है, बहुत बड़ा लोगों का संगठन बुलाया जाता है, उसके बारे में बहुत बहुत लोग कहीं दूर दूर से आते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लगभग, तो क्योंकि सरकारी काम है, तो स्वलंबन का मतलब इतना समझना, ठीक, स्वलंबन आत्मनिर्भरता के लिए, तो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। सूरत होगा, जो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद वो भी इसमें पड़ता है, और नई दिल्ली तो पता ही है आपको, पंजाब पता है, बताना जरा कौन सा आंसर सही होगा इसका कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये आपका आंसर रहा, इसमें आंसर कौन सा है, ये आपका सी, सी मीन्स नई दिल्ली, क्या है, नई दिल्ली, आपको नई दिल्ली तो पता है ना, हाँ इतना पता होगा। फिर उसके बाद में है, किस राज्य के पूर्व, मतलब राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया है, जो किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और ये उत्तराखंड। अब आपको एक चीज़ जरा, मैं मैप बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, देखना कितना मज़ा आएगा, आप लोग जब मैप भी सीख जाओगे ना, तो ठीक है, हमारा आधा हिस्सा है, ठीक है, इधर साउथ, साउथ का। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा क्या है, उड़ीसा आपका ये वाला क्षेत्र आता है, क्या, ये समुद्री तट है, ठीक है, इधर किनारा समुद्री है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये क्या है, पानी भरा सारा बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, और ये वाला हमारा हिस्सा क्या लगा, ये लगा है स्थल से, लगा जमीन से, तो उड़ीसा हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये उड़ीसा हमारा पड़ता है, उड़ीसा है ना, छत्तीसगढ़ के साइड में, पीछे साइड में, तो ये समुद्र का किनारा लगता है। फिर यहाँ पर पंजाब हमारा कहाँ पड़ता है, ये पंजाब कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के नीचे, ठीक है, और उसके बाद पंजाब भी, पंजाब हो गया, फिर हरियाणा कहाँ, हरियाणा उसके साइड में इधर नीचे पड़ता है जस्ट में, फिर उसके बाद में आपका क्या हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा हो गया, और ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ना, तो ये आपका उत्तराखंड हो गया। तो आप ऐसे मैप के साथ भी सीख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। फिर आप, कौन सा आंसर आपका बी रहा, कहाँ, पंजाब, पंजाब के कौन थे, कहलो का निधन होगा, निर्मल सिंह कहलो का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। फिर इसमें है, कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला एकलौता राज्य बन गया है, मतलब वो खुद का अपना जो राज्य है ना, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है, तो कौन सा बन गया, गुजरात है, तेलंगाना है, केरल है, कौन सा है, इसमें जगह कम बची थी तो इसमें आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर कौन सा है इसमें, तो ये गुजरात है, तो इसमें आंसर कौन सा है, सी, केरल में, ठीक है, केरल वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में आगे है, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो होती है ना, क्योंकि मायने रखता है कि वहाँ पर समुद्री किनारा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मतलब आया निर्यात होता है, तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब धंधे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो उत्पादन होता है, तो बहुत अच्छा है केरल काली, मुझे तो पता ही है आपको, जहाँ पर आया था सबसे पहले, आए थे कौन, पुर्तगाल के, नाम बता सकते हो कौन आया था, कमेंट बॉक्स में बताना कौन आया था, अरे यार वास्को डिगामा आए थे, उससे पहले भी एक व्यक्ति आ चुका था, ठीक है, वास्को डिगामा 2 बार आया था भारत में। चलो कोई नहीं, इधर अपने टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पर है, नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पहली बार मानव रक्त में किस इकाई की उपस्थित पाई गई है, क्या,
मानव की उपस्थिति पाई गई है, सॉरी, मानव के रक्त में इकाई की उपस्थिति पाई गई है। इकाई मतलब होता है उसका, जैसे कई सारे होते हैं उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं या पार्ट होते हैं, ग्रुप होते हैं। एक चीज ऐसे मानो ग्रुप होते हैं ना, जैसे ए ए बी या ए होता है, बी होता है और ओ होता है, ए बी प्लस होता है, ओ निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे ही इसका भी एक इकाई यूनिट है। तो कौन सा है? तो नीदर शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए अध्ययन में पहली बार नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड के, तो उन्होंने रिसर्च किया, तो उसमें क्या माइक्रो प्लास्टिक होता है, छोटी बड़ी होती है, लीड होता है, सीसा यूरेनियम होता है, कौन सी पाई गई? तो ये आपका आंसर रहा, कौन सा? ए है, माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, फिर यहाँ पर है यूएस यानी अमेरिका, साउंड रनिंग ट्रैक। तो यूएस में साउंड रनिंग ट्रैक जो मीटर के, किस भारतीय ने 5,000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो वहां पर जो साउंड साउंड रनिंग जो ट्रैक होता है, मतलब एक रूट बनाया जाता है, ट्रैक है ना, जैसे ये ग्राउंड है, अब इसका क्या हो गया, ट्रैक हो गया। तो भारतीय ने, कौन सा भारतीय? आपको पता है अभी हुए थे रेस हुई थी तो आपको पता है, देखना, बहादुर प्रसाद, अवनीश हैं, सेवल, तुकाराम, सॉरी तुलाराम, मोहित कस्तूरी। तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हो कौन? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे बने हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, कौन सा? इसमें बी, अविनाश सेवल। फिर है किस देश ने उबेर कप 2022 जीता, उबेर कप 2022 में जीता? तो कौन सा? चीन था, जापान था, भारत था, दक्षिण कोरिया। आजकल चीन बहुत ज्यादा जीत रहा है। कौन सा है इसमें? दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, समझना, दक्षिण कोरिया का मतलब ही नहीं, जो ताना साहब बोलते हैं उसके बारे में क्या क्या चलता है आप लोग भी समझते हैं कुछ मन में अजीब। तो किस कंपनी ने रायगढ़ महाराष्ट्र में मैग्रो, क्या मैग्रो संरक्षण के लिए साझेदारी घोषणा की है? किस कंपनी ने, मतलब एक कंपनी अपना वहां पर साझेदारी के लिए नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैग्रो, मैग्रो पता होता है जो समुद्र के किनारे में होता है, जो पेड़ ऐसे ऊपर से नीचे जाकर उनकी जड़ें लगी होती हैं, आपने कभी गूगल सर्च करके देखना, तो जो समुद्र में बाढ़ आती है ना तूफान के साथ में, तो उनको क्या करता है, उनकी स्पीड की गति को वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, कम कर देता है, तो उसको लगाने के लिए, ताकि तटीय किनारा है तो बाढ़ का असर कम होगा। तो कौन सा है बताना जरा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या सैमसंग? तो ये रहा बी, कौन सा रहा? बी, एप्पल। कौन सी? एप्पल कंपनी। फिर है बिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? 3 व्हीकल, 3 पहियों वाली, बिलिटी इलेक्ट्रॉनिक। तो किस दुनिया का राज्य, जो दुनिया का राज्य है, किसने शुरू की, मतलब दुनिया में, मतलब राज्य को दिया, क्योंकि राज्य है अपने देश का तो उसे दुनिया के, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका कोई महत्व नहीं, ठीक, इस पर कोई ध्यान नहीं देना। तो इसका कौन सा है? सी। आपका कौन? तो तेलंगाना में क्या किया गया, 3 व्हीलर के लिए, जो दुनिया का पहला राज्य बना है जिसने 3 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक उसने शुरू बनाने की घोषणा की है। एस एम कृष्णा, न्यायमूर्ति और प्रकाश पादुकोण ने को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? जो एस एम कृष्णा है, तो जो बताना, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो उसको आपको बताना है, यहाँ पर बताना है केम पखोड़ा, और यहाँ पर है इंटरनेशनल अवार्ड या रमन, रमन, तो रमन मसाइस अवार्ड है या प्रिटकर है अवार्ड है या साहित्य एकेडमी अवार्ड है, कौन सा है आप बता सकते हैं इसमें? तो इसमें कौन सा? ए, कौन सा है? केम पकौड़ा इंटरनेशनल। उसके बाद में बताना, अब थोड़ा हम स्पीड में चलते हैं, नहीं तो
अथवास पहल किस झील के कायाकल्प से संबंधित है? कौन सा है? अथवास पहल किस झील के कायाकल्प से संबंधित है? झील है जिसका संबंध है किससे? डल झील है, लोकटक है, और ये वेम्बनाड है, नैनीताल है। दोस्तों आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन है, तो जरा ये मुझे बताना कि जो इसमें लोकटक झील है, क्या है लोकटक झील किस कहाँ से है, किस राज्य में पड़ता है? आप उसका भी आंसर बताते चलना कौन सा है। तो इसका किससे है? डल झील से। डल झील है ना, ये डल झील। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा को किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए वाइटले फंड फॉर द नेचर और वाइटले गोल ऑफ अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो बताना जरा किसके लिए। सुनो, लेपर्ड के लिए, या टाइगर के लिए, या पेंगोलिन के लिए, या नीलगिरी ताहर के लिए। ताहर मतलब पता, शेर टाइप में होता है। तो कौन सा है इसका आंसर? ए है। कौन सा है? ए। कौन सा है? ए। तो यही, सुनो, लेपर्ड। क्वेश्चन आंसर वही है, कोई नहीं। फिर है, ट्रॉपिकल चक्रवात एमनाती ने मार्च 2022 में किस देश को प्रभावित किया है? जो ट्रॉपिकल चक्रवात है, चक्रवात नहीं आते रहते हैं, तो बता रहे हैं एमनाती 2022 में किस देश को प्रभावित किया है, किस देश में आया है, बस ऐसे समझना। किस देश में आया है ये ट्रॉपिकल चक्रवात? इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, मालदीव में, मेडागास्कर। बताना कौन सा है? डी है। कौन सा है? डी है। कहाँ लग जाते हैं यार, कोई नहीं यार। फिर उसके बाद है, द मिलेनियल योगी, क्या है? द मिलेनियल योगी एंड ए मॉडर्न एंड द पेरेबल एंड द अबाउट वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाम भी यार बड़े अजीब अजीब होते हैं, कोई नहीं। कौन सा है? द मिलेनियल, योगी, ए मार्टन एंड द पेरेबल एंड द अबाउट ऑन वंस ऑफ लाइफ। तो कौन सा है? गुप्ता, टीपम चटर्जी, अभिषेक हैं, और कौन से हैं? जैस्मिन दास। तो इसमें आंसर बता सकते हैं बीस, दीपम चटर्जी। फिर दूसरा है, सामिया सुलुहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कौन सी महिला है जो पहले देश की राष्ट्रपति महिला बनी है? सबिया हुसैन इनका नाम है, किस देश की बनी है? तो आप आंसर बता सकते हैं नाइजीरिया, तंजानिया, केन्या। ये क्या पता है, ये सब कहाँ के हैं? ये सब साउथ अफ्रीका के हैं। तो इसमें आंसर कौन सा है? बी, तंजानिया। तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। भारत सरकार ने किस वर्ष का कोयला गैसीकरण को 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन तक का बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? क्या 100 मिलियन टन गैसीकरण को बढ़ाने के लिए रखा है? तो जो मतलब लक्ष्य इसका निर्धारित कि 100 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य, कि इतना बढ़ा देंगे गैस गैस को, ठीक है? तो 2050 है, 2030 है, या 2035 है, 45 है। तो मतलब ये गोल्स अपने सिलेक्ट करते हैं, पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक दिया गया है जो 2012 में उसे अचीव करना है, तो आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? 30। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो सीख लेना। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो पता है, एडम स्मिथ है, अमेरिका के, है ना? तो ये आंसर है। अरे यार मुझे नहीं बताना था, ये आप लोगों को ही बताना था, कोई नहीं। हाँ, हो जाता है कभी। एक बंद अर्थव्यवस्था का आशय क्या होता है? समझ सकते हो, बंद अर्थव्यवस्था ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, एंड सो यू नो। कौन सा है इसका, बता सकते हो आप? तो आप मुझे बताना इसका आंसर क्या। मुद्रा स्फीति मुद्रा नियंत्रित होती है, घाटे की अर्थव्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है ना, तो मतलब कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये पता है इकोनॉमिक्स का है। कौन सा है क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का है। कौन सा है? इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का। तो कौन सा इसका आंसर है? 4, मतलब कोई नहीं, गलत है, बंद अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें है ही नहीं ना निर्यात ना आयात, मतलब कोई भी फायदा नहीं होता है उससे, कहते हैं, है ना, 0। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, इससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ठीक है, कोई मतलब नहीं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो
तो मतलब कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इकोनॉमिक्स का ये भी क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। कृषि की प्रधानता, यार कृषि प्रधानता तो हमारे देश में पता है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, क्योंकि आज भी वही सबसे ज्यादा रोजगार, हाँ सर्विस सेक्टर आ गया है नंबर 1 पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उद्योग की प्रधानता है, यार वो भी समझ सकते हो, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, बृहद बेरोजगारी है। आप इसमें आंसर कौन सा है? 2 है, उद्योग की प्रधानता, क्योंकि जो माना जाता है जो उद्योग की प्रधानता होगी ना, जिस देश में उद्योग होगा ना सबसे लंबे स्तर पर, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी इसी पर होगी, वो देश क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। भाई हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। अमेरिका कब आजाद हुआ था? अमेरिका कब आजाद हुआ था? अमेरिका 1776 में है ना, 1776 में है ना। तो जब हम गुलाम हुए थे, 1757 की हमारी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1757, याद है किसी को? 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला बंगाल में, तब हम गुलाम हुए थे, ठीक है, तब कंपनी की जीत हुई थी, वो निर्णायक नहीं हुई थी, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो क्या हुई थी, युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, तो कंपनी का अधिकार मिला था बंगाल में ही सही, लेकिन मिला तो था। तब ये लोग आजाद हो चुके थे, इनके पास 200 साल का, जब हम आजाद गुलाम हुए थे तब ये लोग आजाद हो चुके थे, लगभग वही आसपास 20 साल के आसपास। हम लोग अभी तक 200 वर्षों तक गुलाम ही रहे, कितना शोषण हमारे साथ में हुआ, कितना इन लोगों ने दर्द दिया, कितनी मार काट, लूट पाट, अत्याचार, कृषि का शोषण, जमीन भूमि किसानों का शोषण, बहुत ज्यादा हम पे जुल्म किए। तो जाहिर सी बात है, तो ये क्या होंगे, इनके पास औद्योगिक क्रांति पहले आ चुकी थी, आपने अगर पढ़े होगा हिस्ट्री में, तो औद्योगिक क्रांति तो इनके पास तब आ चुकी थी, तो ये लोग विकसित होंगे, ये लोग अच्छे से, इनके पास इंजीनियर होंगे, अच्छी अच्छी टेक्निकें होंगी, साइंटिस्ट होंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी मतलब डिपेंड हो जाएंगे, औद्योगिक क्रांति होगी तो वो विकसित देश हो जाएंगे। फिर निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं? तो हाँ फिर ये आया दूसरा क्वेश्चन है, तो ये भी इकोनॉमिक्स का है, कौन सा है? इकोनॉमिक्स, तो आप इसका भी आंसर बता सकते हैं, कौन सा? रूढ़िवादी समाज, साक्षरता दर निम्न होना, ये तो 100% है, तकनीकी कौशल की कमी, ये भी 100% है, उपरोक्त में सभी, तो आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताते चलिएगा, मजा आया या नहीं आया। निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो ये इसका आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त में 4, यानी हमारे देश में क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, सॉरी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, क्योंकि नहीं मतलब ये चीजें हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार लेना, मतलब है विशेषताएं हैं हमारे देश में। पता है आपको क्या विशेषता है? रूढ़िवादी आज भी समाज मिलता है, जो लोग बदलना नहीं चाहते रूढ़िवादी उसे कहते हैं, पुराने जो पुराने ढर्रे को लेकर चलना चाहते हैं, पसंद करते हैं, जैसे नहीं कहते नहीं यार लेडीजों का जेंट्स पहनना अच्छा नहीं, लेडीजें सिर्फ घूमेंगी नहीं, फोन रखना नहीं अच्छा, शिक्षा नहीं पाएंगी, तो ये क्या है? रूढ़िवादी, नॉट चेंजिंग इन आवर कल्चर, तो मतलब पसंद नहीं करते हैं, ही इज नॉट फील इन द गुड चेंज आवर कल्चर, है ना, हमारी सभ्यता को जो संस्कृत है उसे हम बदलना नहीं चाहते, तो ये रूढ़िवादी बोलते बोले जाते हैं। और निम्न दर हमारे देश में आज किसके पास इतना ज्यादा प्रति व्यक्ति, जैसे निम्न दर का मैं आपको जरा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, निम्न दर का ऐसा होता है, जैसे माना जाता है कि हमारे देश में कितनी है, अभी 3 ट्रिलियन पहुंची है, ठीक है 3 ट्रिलियन पहुंची है, अब ये जितनी हमारे देश की 140 करोड़ मानते हैं, 140 CR है ना, इससे डिवाइड कर दी जाएगी पूरी प्रॉपर्टी जितनी हमारे देश की मतलब इनकम है टोटल, अब जब डिवाइड की जाएगी तो उसमें हर व्यक्ति पर कितनी मतलब इनकम आ रही, कितनी मनी आ रही, तो वो कहते हैं पर कैपिटा इनकम। साक्षरता निम्न क्या होगी? साक्षरता निम्न का मतलब ये तो हो गया हमारा क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, दूसरी बात ये हमारा क्या है इसका, इससे कोई कार्य, साक्षरता दर निम्न होने का मतलब है कि हमारे देश में आज भी लोग बहुत अशिक्षित हैं, उनके तक एजुकेशन की पहुंच नहीं है, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा भी नहीं है, वो तो बात अलग है, लेकिन आज भी नहीं, तकनीकी कौशल की कमी, ये तो हमारे यहाँ बहुत भी, तकनीकी अगर लोग कौशल होते, शिक्षित होते, प्रशिक्षित होते, तो आज नौकरी की समस्या नहीं होती, तो यानी ये सभी तीनों है हमारे यहाँ। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये भी इकोनॉमिक्स का है आपका, क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं 1 डे एग्जामों में, ये ध्यान देना,
पिछड़ी हुई है कैसी, आज भी पिछड़ी हुई है। अरे यार मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब को नहीं, क्या करें, पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है, तो कौन सी हमारी देश की अर्थव्यवस्था? पिछड़ी हुई मतलब ऐसा होता, आज भी वहां पर कृषि का ज्यादातर योगदान होता है जीडीपी में, क्या होता है, कृषि का, तो उसे हम कहते हैं पिछड़ी हुई, ठीक है। अल्प विकसित कहते हैं उसे जहां पर उद्योग की अभी भी शुरुआत होने वाली है, ठीक है, या शुरू हुई है लेकिन अभी पहुंची नहीं पूर्णता। तो फिर उसके बाद में विकसित मतलब जहां पर औद्योगिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उद्योग पर डिपेंड सबसे ज्यादा, उद्योग का हिस्सा ज्यादा जीडीपी में है। विकासशील देश कौन सा है, जो बस जीडीपी में कृषि का हिस्सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे कहते हैं, क्योंकि विनिर्माण सेक्टर में संख्या बढ़ रही है तो उसे कहते हैं विकासशील देश, वो विकसित देश में पहुंचने वाला। तो आंसर कौन सा सही इसका, तीन सही, कौन सा, विकासशील देश, ये तो आप लोगों को पता ही होंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन, लेकिन याद करना, ये भी समझदारी की बात है, सबको नहीं आते हैं। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या अभिप्राय है या समझते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको पता होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बस सिर्फ को देखो, कोई चीज होती है दिमाग का, अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया एक बार, है ना, अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर उसे बार बार कभी भी क्वेश्चन आए ना, फटाक से कोई भी, अगर फटाक से आप लोग आंसर दे दोगे बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बताओ, आप समझा दें या ना समझाएं, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर कहो तो समझा दें, नहीं तो कोई बात नहीं, ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना लाइफ में तो आपको टेंशन नहीं होगी। बहुत मैं कोशिश करूंगा बहुत ईजी से। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसे मानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में कौन सी, पूंजीवादी, जहां पर सिर्फ पूंजीपति लोग ही कार्य करेंगे, वही निर्णय लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार का योगदान बिल्कुल जीरो होता है, मतलब जीरो, मतलब जीरो न्यूनतम होता है। और वहीं पर समाजवादी होता है, क्या होता है, समाजवादी, जहां पर सरकार ही पूरा निर्णय लेगी, क्या करेगी, सरकार निर्णय लेगी बैंकों के लिए, स्कूल के लिए, रोजगार के लिए, हैं, स्कूल के लिए, रोजगार के लिए, और भी बहुत सारी चीजें, बसों के लिए, ठीक है, यातायात संचार के लिए हो गया, परीक्षण हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मतलब कुछ भी आप ले ले सकते हो, फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सब सरकार ही करेगी, रोड निर्माण ही वही करेगी, तो मतलब ये चीजें सभी वही होगी कि सरकार ही बहुत सी चीजों में सभी का, सरकार का समाजवादी, सरकार ही निर्णय लेगी किसान क्या बोएगा, सरकार ही निर्णय लेगी किसान कितने में बेचेंगे, क्या बोएंगे क्या नहीं बोएंगे, तो उसे कहते हैं समाजवादी, मतलब समाजवादी पब्लिक सेक्टर समझ लो, मतलब सरकार ही निर्णय लेगी, सरकार के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन पूंजीपति वर्ग समझ सकते हो कि जो आदमी रुपये वाला होता, पैसे वाला होता है, तो सब कुछ उसी के हाथ में होता है, बस वही निर्णय लेगा पूंजीपति लोग कि क्या करना क्या नहीं। तो इन दोनों का हमारे यहाँ मिक्सर है, मिक्सर का मतलब क्या है, मिक्सर तो उसे भी समझा रहे हैं, मिक्सिंग का मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थ इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमारे यहाँ पर सरकारी कार्य भी हैं, सरकार भी कुछ क्षेत्रों में कार्य करेगी लेकिन पूंजीपति लोग भी कार्य करेंगे। देखे ना, एयरटेल में, एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी है, ठीक है, ओडा है, तो ये सभी कंपनियां हैं, नहीं प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रही, लेकिन भारत की वहीं पर बीएसएनएल भी काम कर रही, क्या है, बीएसएनएल है ना, बी क्या यार उल्टा पुल्टा लिख रहे हो, कोई नहीं, गड़बड़ करते हो खुद, कोई नहीं, मैं समझ, बीएसएनएल है कि नहीं है, तो ये सरकार की है, मतलब दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिक्स अर्थव्यवस्था। आप इसका आंसर खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व होता है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व होता है, छोटे बड़े उद्योग व सह अस्तित्व। अब इसका आंसर आप बहुत खूबसूरती से, बहुत समझदारी के साथ दे सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में, अब बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। अब आप लोग इसका, कोई नहीं, ये आंसर आपने देख लिया, अच्छी बात है, कोई नहीं, मुझे अब बताना नहीं पड़ेगा ना, तो ऐसी चीज हो, ऐसे कॉन्सेप्ट आप क्रिएट करा करो, आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन कराए, बताते चले गए, चलते गए चलते गए, तो ये फिर मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो बहुत मजा आता है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताना, सर्वाधिक मतलब
अब राज्य का बजट अलग होता है ना, राज्य का बजट अलग होगा। तो राज्य में जैसे टोटल, जैसे मानते हैं एग्जांपल देते हैं 100 है, तो वहां पर पॉपुलेशन कितनी है, 100 CR कर लेते हैं, 100 CR है राज्य की इनकम, ठीक है टोटल। और वहां पर व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति वहां पर 20 ही हैं, कितने 20 CR हैं। तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, जो इनकम आएगी प्रति व्यक्ति पर वही होगा, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। तो गोवा है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। एक चीज रुकना, मैं आपको इसके साथ में ये भी बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा दोस्त, सच बता रहा हूँ आपको, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा, बहुत मजा आएगा। अब जरा मुझे बताना, मैं आप लोगों को थोड़ा मैप भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसा कि कभी नहीं किया हो इससे, कोई अगर समझ में ना आए फिर भी मजा आ जाएगा आपको। आप ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद में फिर आप क्या करना है, इसे कोशिश करना। एक सेकेंड यार, मिटा रहा हूँ थोड़ा, और बहुत मजा आएगा आपको। फिर मैं इसे लोकेट करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर कौन है, अभी आपको समझ में, ठीक है। आपकी मैं तो खटाक से दिमाग में जाएगी, यार ये राज यहाँ पर पड़ता है, ये यहाँ पर पड़ता है। अगर पूछ दे उसके बीच में कौन से प्रदेश पड़ता है, गुजरात उड़ीसा के बीच में कौन पड़ता है, तमिलनाडु केरल के बीच में कौन सा चोटी पड़ती है, पर्वत पड़ता है, तो कैसे आपको पता होगा, है ना। तो ये पता ऐसे ही लगेगा। फिर उसके बाद में हम, है ना, तो ऐसे ऐसे मतलब अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बनाना सीख लेना। तो अब आपको मैं बताता हूँ, गोवा आपका कहाँ है, गोवा ये है, कहाँ गोवा ये है। दिल्ली आपका कहाँ है, ये है दिल्ली, डी डी फॉर दिल्ली, है ना। एमपी कहाँ है, महाराष्ट्र, ये है आपका मुंबई। और गुजरात आपका कहाँ है, ये गुजरात का क्षेत्र है, जियो, है ना। और गोवा हो गया, चारों हो गए। तो ये आप देख सकते हैं, आप मैप भी साथ साथ में सीख सकते हैं। दिल्ली है, गुजरात है, मुंबई है, और ये गोवा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो कौन सा है, गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, क्योंकि वो छोटा है ना, तो वहां पर इनकम। वैसे भी सीएसओ ने हाल ही में अग्रिम वर्षों के लिए वर्ष दिया है, गया क्या किया, आधार के लिए बेस ईयर घोषित किया है। मतलब बेस ईयर आधार वर्ष वो होता है जहां पर कोई हलचल ना आई हो, उसे आधार वर्ष घोषित करता है। तो ये कौन सा आंसर है बताना, आधार बेस में नहीं निकाला जाता है, जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, तो आधार बेस से निकाला जाता है। तो कौन सा आंसर है इसका, देखना, ए है। कौन सा है, ए है, 17-18 घोषित की है सीएसओ ने। फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मुख्यालय कहाँ पर है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो ये गोवा में है, पुणे में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बताना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, दिल्ली में राजधानी है। तो जाहिर सी बात, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय की गणना किसने, किसके द्वारा की गई थी, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना। तो ऑब्वियसली ये भी इकोनॉमिक्स का है, किसका है बताना जरा, इकोनॉमिक्स का है या नहीं है क्वेश्चन, है ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा सच में बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का मास्टर बन जाओगे। फिर कौन सा है, दादा भाई नौरोजी, सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप देख सकते हो, दादा भाई नौरोजी, सी आर दत्त, और बी के आर बी राव, या डी आर गाडगिल, कौन थे। तो आप आंसर दे सकते हैं इसके, बी के आर बी राव, कौन से थे, सर्वप्रथम बी के आर डी राव। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है। तो समवर्ती, राज्य सूची, संघ सूची, इनमें कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा है, समवर्ती सूची का विषय, कौन सा, समवर्ती विषय। फिर से एक बार देखना, आर्थिक नियोजन में, ठीक है, आर्थिक नियोजन में समवर्ती का विषय है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का ह्यूमन जो
सॉरी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कब गठन किया गया था, मतलब उसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था 1950 में, 53 में, 52 में या 51 में, बताना कौन सा, तीन सा है तो कौन सा है, 52 में। फिर उसके बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था, सातवीं पंचवर्षीय योजना बताना, भोजन, काम और उत्पादकता, सभी बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, राष्ट्रीय आय की जांच, प्रतिवर्ष मतलब प्रति वृद्धि दर कितनी हुई है, बढ़ाना है या सामुदायिक विकास का कार्यक्रम यानी उसका बढ़ोतरी करना है, उसमें सुधार करना है उसे, तो इसका आंसर कौन सा है, तो ये बताना जरा, वन है। कौन सा है, इसका आंसर वन है, यानी भोजन और काम और उत्पादकता, मतलब सभी को भोजन के लिए उत्पादकता बढ़ाना है ताकि सभी को भोजन मिल सके, काम सबके लिए काम यानी रोजगार, क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना है, उत्पादकता मतलब जीडीपी ग्रोथ करना है, सकल घरेलू उत्पाद है ना, तो ये है रहा आपका आंसर। फिर निम्न में कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, कौन सा, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। आपको पता पंचवर्षीय योजना इनके सभी के एक विशेषज्ञ होते थे जिसके आधार पर निर्धारित की जाती थी, तो पांचवी, आप लोग 5-5 साल के लिए 51 से आप लोग इसे क्या कर सकते हो, भाग देख सकते हो आपको, या डिवाइड कर सकते हो या जोड़ सकते हो, तो पता लग जाएगा कि कब आई थी। निकालने के लिए बताओ प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय और सातवीं और ग्यारहवीं कौन सी है, निम्न में 30 से सातवीं है ना, सातवीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी, मतलब क्या उसका थीम थी, उसकी क्या थीम थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना समझ सकते हो 51 में ही चालू हुई थी जब देश में सरकार बनी थी, तो कृषि का विकास कौन सा था, कृषि का विकास। अब इसमें आप गेस लगा सकते हो कौन सा हो सकता, उत्पादकता, आय और धन का समान वितरण, क्या था, उत्पादन और धन आय का समान वितरण, क्योंकि कृषि का विकास भी करना था, क्योंकि हमारी जनसंख्या के लिए खाने की व्यवस्था इतना, हम लोगों को छोड़कर जब अंग्रेज गए थे कि हमारी इतनी भी औकात नहीं थी कि हम अपनी खेती के लिए पानी की व्यवस्था कर सके, खाने की व्यवस्था कर सके। आपको पता है जब 90 में हमारी हालत खराब हुई थी, हमारे पास पैसा खत्म हो गया यानी देश के पास, तो सोना रखकर लोन लेना पड़ा था, है ना, तो बता सकते हो इसमें दोनों है या नन ऑफ दीज, कौन सा है, कौन सा हो सकता है, तो इसमें कौन सा हो सकता है, तो इसमें तीन है यानी सी, दोनों है, उत्पादक आय धन का समान वितरण दोनों करना था, कृषि का भी बढ़ाना था। फिर इसमें है निम्न में कौन सी विदेश यात्रा मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था, विदेशी यात्री जो था वो मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था। आपको पता मोहम्मद तुगलक कौन सा था, तुगलक वंश का था, तुगलक वंश का था, तो ये कौन सा था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये बेचारा बहुत परेशान रहा, इसने इतनी योजनाएं की, सब कुछ इंतजाम किया, लेकिन फिर भी गरीब का फकीर रहा। मार्को पोलो कौन से, मार्को पोलो और इब्न बतूता, निकोलो कोटी अलबरूनी, ठीक है, आप इनको सबको साइड में कर सकते हो, मैं आपको आइडिया देता हूँ, मैं इसको हटा सकती हूँ और इसको हटा सकती हूँ, ये दो हटा सकती हूँ, ठीक है, और बाकी आप ऑप्शन लगा सकते हो, तो कौन सा था, ये वाला मिस्टेक से लग गया था, कौन सा, बी है, इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता था, कौन सा, इब्न बतूता, तो इब्न बतूता आया था किसके साथ, मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था जो विदेशी यात्री था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपको इसमें बताना है, उलेमा धार्मिक विद्वान होता था, रसूल दैनिक प्रार्थनाएं, इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान, सूत्री कौन सी होती थी, पैगंबर के आधुनिक व्यवहार, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हो कि कौन से किसके, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि उलेमा अकबर के जो मिडिवल हिस्ट्री की हैं, तो इसमें कौन सा था, जी कौन सा,
तो मतलब बाकी सही हैं। ये उलेमा धार्मिक विद्वान से जुड़ा हुआ था, प्रार्थनाओं से जुड़ा हुआ था और प्राप्त ज्ञान से जुड़ा हुआ था, लेकिन सूत्री पैगंबर के आधुनिक व्यवहार से है तो ये गलत है। यह गलत है। भारत की यात्रा करके जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज लेख यात्रियों को क्रमानुसार या काल क्रम अनुसार संयोजित करने और दिए गए विकल्पों को सही से चुनाव कीजिए। मतलब जो भारत में यात्रा करके जाने वाले आए थे, यात्रा करके गए, उनके दस्तावेज जो लेखकों को काल क्रम अनुसार संयोजन करें, मतलब उनको संगठित करें, उनको काल क्रम के अनुसार उनको बताएं। तो यहाँ पर मोहम्मद इन्म अहमद और अब रेहान अल बरूनी। तो मोहम्मद इन अहमद हैं, अबू रेहान अल बरूनी ये, या अब्दुल रज्जाक कमाल अल दीन इद्र इसाक अल समरकंदी। बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम। तो शुक्र है कि इस समय कोई पोस्ट पर नहीं नाम है, तो नहीं तो नाम लेने में हालत खराब हो जाती। फिर महमूद महमूद वली बल्खी। क्या है? बल्खी। महमूद वली बल्खी है। फिर है इंद्र बबूलता, है ना, बलूता, इंद्र बलूता। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा है। तो ए बी सी डी, सी बी बी सी, कौन सा है? बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा शासक मामलुक वंश का था? मामलुक वंश का कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। ये तो खिलजी वंश से थे। कौन से खिलजी वंश के? फिर इब्राहिम लोदी, लोदी वंश से थे। बलबन गुलाम वंश से थे। मोहम्मद गौरी। और इसमें पूछ क्या रहा है? सॉरी, ये पूछ रहा है मामलुक वंश से कौन संबंधित है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कौन सा था? सी बलबन, है ना, गुलाम वंश, मामलुक वंश, बलबन। इल्तुतमिश का ये क्या था? इल्तुतमिश के दरबारी था, है ना। अकबर की अष्टभुजा कार आकृति मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? मतलब अष्टभुजाकार जो आकृति बनाई गई थी, चित्र बनाया गया था मध्यकाल में, किस वंश की विशेषता थी, किस वंश से वो संबंधित था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इसमें आंसर कौन सा है? डी, लोदी वंश से अष्टभुजाकार की मूर्ति बनाई गई थी, त्रिभुज आकृति। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य है, यानी आपको क्या करना है? गलत, फॉल्स, कौन सा है? गलत आपको ढूंढना। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, सिकंदर लोदी। हरिहर ने दक्षिण विजयनगर राजवंश की स्थापना की। तो बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अब देख सकते हो इसमें कितनी डाइवर्सिटी, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको ये तो पता है ना कि सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण कराया है। आपको ये पता होगा, हरिहर ने ये भी पता होगा, बलबन, क्या ये बता, एक चीज बताओ, कुतुब मीनार का किसके पड़ा? जब मुहिद्दीन चिश्ती के नाम पर पड़ा था ना, तो सबसे पहले किसने? तुगलक वंश ने। तुगलक वंश का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो आप आइडिया लगा सकते हो। सही आंसर कौन सा? सभी, इसमें सभी दिए गए हैं ना, तो सभी मतलब सही है। असत्य में पूछ रहा है, असत्य में, तो यानी ये क्या है? सभी गलत हैं। तो असत्य पूछ रहा है तो क्या करना? ये गलत है, यानी कोई सही नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा या कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? मतलब फिरोज शाह तुगलक जब शासन था, तो जो कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूटा हुआ माल लूटा जाता था, जो माल जैसे युद्ध में जब लड़ाई होती थी तो उसके द्वारा जो माल प्राप्त होता था लूटा जाता था, छीना जाता था, तो 1/5 यानी कितना? 20%, है ना, 20% माल का था युद्ध के दौरान प्राप्त लूटा माल, लूट का माल कितना? 1/5 था, यानी 20% था। तो खराज, गुम्स, खुम्स, जकात, जजिया। जजिया कर पता है किसने लगाया था? जकात, खुम्स और खराज आप बता सकते हो, ये मेडिवल हिस्ट्री का है।
है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर कौन सा है? बी, खुम्स। एक चीज़ याद रखना, खुम्स ये पता है, फैक्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो खुम्स, खुम्स क्या था आपको पता है? खुम्स एक कर था, 1/5 जो लूटा हुआ माल था, तो उसे खुम्स कहते हैं, खुम्स। फतवा ए आलमगिरी के नाम इस्लामिक कानून पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो जो फतवा ए आलमगिरी इस्लामिक कानूनों का क्या था, एक मध्यकाल में मतलब लिपिबद्ध किया गया था, लिखा गया था, उसे लिपिबद्ध किया गया था। तो कौन सा? अलाउद्दीन था, शेरशाह सूरी था, अकबर था, औरंगजेब था। तो फतवा ए आलमगिरी ये किसका था? डी, औरंगजेब का। ये बहुत सख्त आदमी था ना, बहुत खतरनाक भी था। फिर इनमें बतूता प्रसिद्ध जो मुस्लिम अन्वेषक अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश का था? इन बतूता अभी आपने इसके पहले पढ़ चुके हो, कहाँ से आया था ये बताना जरा। अफगानिस्तान से आया था, मोरक्को से, इराक से या ईरान से? तो वो कहाँ से आया था? मोरक्को से, मोरक्को से आया था। फिर है जौनपुर में सरकी राज स्थापित किया गया है, सरकी, जौनपुर में सरकी क्या है? सरकी राज स्थापित किया था, क्या किया था सरकी राज किया था? तो अब्दुल्ला, अहमदुल्ला मोहम्मद शाह ने, अबू वक्र शाह ने, या मलिक सरवर ने, या मलिक मुबारक ने, किसने किया था? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा? सी, योर आंसर इज राइट, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में, नंबर पर मत जाना ठीक है, वो मिस्टेक हो जाता है इधर उधर। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिम को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला। तो मध्यकालीन भारत में जब पहली बार, जो मतलब मुसलमानों का तो शासन ही चल रहा था, लेकिन उसमें हिंदुओं को भी शामिल किया गया, हिंदुओं को भी, महिलाओं को शामिल किया गया, कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जलालुद्दीन और गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बेचारा तो बहुत परेशान रहा, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये तो अपने चाचा का क्या कर दिया था, गला काट दिया था। गयासुद्दीन तुगलक बेचारा, ये तो सही ठीक ठाक शासन चला रहा था, लेकिन ये बेचारा हमेशा अपनी राजधानी को भी बदला था। तो कौन सा था? डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा स्थापित की थी? सांकेतिक मुद्रा पता है किसने? जिसके पास मनी कम पड़ी होगी। मनी में हमारे कौन से सबसे मध्यकालीन भारत के शासक थे? मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये बेचारे, इनको याद रखना, ये क्या ही बोलूँ इनको। कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में किस दिल्ली ने सुल्तान में मध्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास था? सुल्तान ने मध्य निषेध लागू किया था, तो कौन सा था? बलबंद था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। तो इसमें कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके आक्रमणों का सामना किसने किया था, या किसके शासनकाल में ज्यादातर मंगोल ने आक्रमण किया था? तो कौन सा था? तो आपको ये पता होगा, सबसे ज्यादा किसने किया था, किसने किया था बताओ? इल्तुतमिश के वहाँ तो बस एक बार आए थे, बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी के सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसने तो इसके समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा अटैक हुए थे, लेकिन इसने पूर्णतः समाप्त कर दिया था, कोशिश की थी मतलब पूर्णतः समाप्त करने के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? तो दिल्ली में कौन सा सुल्तान था, चांदी का टका उसने चालू किया था और तांबे का जीतल? तो ये भी आपको याद होगा अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। इल्तुतमिश थे,
कौन, इल्तुतमिश थे या अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे या फिरोज शाह तुगलक थे, कौन से थे? तो आप बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मज़ेदार। ए था कौन, इल्तुतमिश। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, और आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे टॉपिक के साथ में इसको डिटेल में भी समझाऊँ, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत मज़ा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, मज़ा आ गया। लेकिन हिस्ट्री में आपको पता है, आप हिस्ट्री पढ़ोगे एक बार, कम से कम पढ़ोगे तभी आपको समझ में, क्योंकि फैक्ट के बाद में आप कैसे समझ में आओगे कि किस शासन काल में कैसे वहाँ का माहौल था, कैसा प्रशासन व्यवस्था थी, कैसी कर व्यवस्था थी। तो उसको आप एक बार क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसके बाद फैक्ट में। तो मैं समझता हूँ, मतलब कि अगर आप लोग इसको पढ़ोगे एक बार ना, तो आपको कहानी बन जाएगी दिमाग में, तो आपको फटाक से पता हो जाएगा कि वो किस शासक की बात हो रही है। तो मैं आपको डिटेल में समझाता भी चलूँगा जो जो इम्पोर्टेंट होंगी, और आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करता। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझाने में सफल रहा या नहीं, आप लोग इसकी रिप्लाई इसका मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में दे सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।